आजकल जो जो मैनुअल जो बीमारियां होती हैं ENT की, वो अधिकतर कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? ऐसे हैं, मैं राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट से आया हूँ। हमारा मेन पर्पस है लोगों में कैंसर का बचाव करने के लिए। कैंसर का बचाव करने के लिए हम ज़्यादातर जो कॉमन फैक्टर है वो तंबाकू है, तंबाकू से बने पदार्थ हैं, तो लोगों को एडवाइस करते हैं भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और दूसरा, हम लोगों को ये बताते हैं भी अपनी स्वास्थ्य के बारे में जांच साल में एक बार करानी चाहिए, ताकि कैंसर का जल्दी से जल्दी पता लग सके। जितना जल्दी कैंसर का पता लग जाए तो उतना ज़िंदगी बचाने में काफ़ी मदद करती है। दूसरा, आपने पूछा कान ना गले के में क्या बीमारियां होती हैं। जैसे आज OPD चल रही है, अभी तक जो ज़्यादा मरीज आ रहे हैं जिनके कानों में मैल है, जिनकी सुनाई कम है, उनके जैसे 50 साल की उम्र के बाद जिनको शुगर होती है, ब्लड प्रेशर होता है, तो उनकी जो नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं, तो उनको हियरिंग एड लगानी पड़ती है। ऐसे कुछ मरीज आ रहे हैं जिनके कान बहते हैं, तो जिनके कान बहते हैं उनको एडवाइस करते हैं कि कान में पानी नहीं जाने देना चाहिए और उनका उपचार कर रहे हैं। सर, ये इस तरीके जो कैंप होते हैं, क्या इसमें मरीजों को संतुष्टि मिलती है? बहुत, क्यों नहीं मिलती है। एक तो हमें अवेयरनेस करने का मौका मिलता है, लोग जो इसका तंबाकू का सेवन करते हैं उनको हम मोटिवेट करते हैं, उनको अवेयरनेस देते हैं, उनको तरीका बताते हैं भी बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू से कैसे छुटकारा करना है। और दूसरा, कभी कभार हमारे को जो फ्रेश केसेस हैं कैंसर के मिल जाते हैं और उनको एडवाइस करते हैं भी अपना इलाज जल्दी से जल्दी कराओ। सर, जिस तरीके से सरकारी हॉस्पिटल के अंदर इतना वर्डन होता है, एक एक डॉक्टर के पास में काफ़ी पेशेंट होते हैं, उनका एक प्रॉपर इलाज करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। ये बात सही है, यूरोप के मुकाबले में यहाँ पे जो रेशियो है पेशेंट और डॉक्टर की काफ़ी ज़्यादा है। जितने मरीज डॉक्टर के पास कम होंगे उतना वो डॉक्टर अच्छी तरह मरीज को दे सकेगा, मरीज का संतुष्टि कर सकेगा। लेकिन फिर भी जो हिंदुस्तान के जो डॉक्टर हैं वो बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। साधनों की कमी होते हुए भी, मरीजों की भीड़ होते हुए भी मरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करते हैं। सर, एक पर्सनल मेरा एक क्वेश्चन रहेगा। सर, अधिकतर हमारे इंडिया के डॉक्टर, अभी जो आपने बताया कि भारत के जो डॉक्टर हैं बहुत अच्छे हैं, स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन अधिकतर हमारे यहाँ के जो इंडिया के डॉक्टर हैं वो बाहर जाना पसंद करते हैं, ऐसा क्यों है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ज़्यादा डॉक्टर जो है यहीं पर रहना चाहते हैं। जैसे मैं ही हूँ, मैं शुरू से ही मैंने जो गाँवों के अंदर सेवा करी है, मेरे कई साथी थे जो बाहर चले गए हैं, लेकिन मैंने यही प्रेफर करना चालू किया, गांव में ही रहता था, गांव में ही मरीजों का इलाज करता, उसमें संतुष्टि ज़्यादा मिलती थी। और हिंदुस्तान में ज़्यादातर परसेंटेज डॉक्टर जो हैं अभी भी गवर्नमेंट सर्विस में करते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस में हैं। बाहर जो लोग जाते हैं उनकी जो रेशियो है परसेंटेज बहुत कम है।